अगर आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर से कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर रहे हैं बट इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सिंपल सा डोस सेटिंग करना है जिसके बाद यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ऐप से बैक आना है एंड आपके मोबाइल में सेटिंग एप्लीकेशन होगा तो इसे आप ओपन करेंगे। सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपको क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ढूंढना है और उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेक करना है अगर परमिशन में यहाँ पर फाइल्स एंड मीडिया का परमिशन अलाउ नहीं है। यहाँ पर फाइल्स एंड मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर डू नॉट अलाउ सेलेक्ट है तो आपको जो है यहाँ पर अलाउ एक्सेस टू मीडिया ओनली यह सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउजर को फाइल्स जो है यहाँ पर परमिशन जो है हम अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है। तो पहला यह रीजन रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल अनकुनो ऐप्स। अगर यह सेटिंग भी यहाँ पर नॉट अलाउ है, इनेबल नहीं है, तो भी आपके क्रोम ब्राउजर ऐप से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। तो सिंपल सा यह सेटिंग इनेबल करना है, इसका मतलब है इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी अनकुनो ऐप जो है क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल हो सकता है। तो ये दोनों सेटिंग करना है, उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही दो रीजन रहता है जिसकी वजह से क्रोम ब्राउजर ऐप से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है। तो ये दोनों सेटिंग जो मैंने आपको बताया आपको करना है, उसके बाद आपके क्रोम ब्राउजर ऐप से एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।